अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपू बुको। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी प्रिपेयर लेक्चर 27 फॉर यू ऑफ द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। इट इज हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन पेपर। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोटोटाइप ड्रग टू ट्रीट अस्थमा, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज अस्थमा, और इसके बाद जो इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है बीटा-2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो, और लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट यानी मोनोटिलुकास्ट पढ़ेंगे, और एंड लास्ट में पढ़ेंगे थियोफायलिन। इसके बाद लास्ट में आपका टेस्ट होता है। दिस इज एंड ऑफ माई लेक्चर होता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर 27। अगर प्रीवियस लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर फार्माकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जो है तमाम चीज़ें सुन सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको चैप्टर के अंदर जो जो ड्रग्स हैं, जो डिसीज हैं, उसको डायग्रामेटिकली समझाया जाता है, ताकि आपको पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में है क्या। तो अगर आपको आइडिया हो जाता है तो आप इजीली फिंगर टिप्स के ऊपर उसकी तमाम ड्रग्स और उसकी तमाम डिसीज आप याद कर सकते हैं, और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस डायग्रामेटिकली तरीके से आप चाहे इजीली हर चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ड्रग यूज इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं और उसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिसीज के मुतलिक जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिसीज हैं वो तीन है मेन, अस्थमा है, एलर्जिक रिनिटिस है और कफ है। एलर्जिक रिनिटिस को हम फेफड़े भी कहते हैं। अस्थमा जो है इसके अंदर प्रोटोटाइप ड्रग इस्तेमाल होती हैं, उसको हम कहते हैं बीटा-2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट और कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, उसका नाम है कोर्टिसोल लैबेटनासोल। उसके बाद लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट को हम मोनोटिलुकास के तौर पर, ब्रांड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मार्केट के अंदर मोनोटिलुकास का ब्रांड है माइटिका और मोनटिका, ठीक है ना। जो फोर्थ टाइप ड्रग है अस्थमा की उसको कहते हैं थियोफायलिन। थियोफायलिन का दूसरा नाम है गनथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी जो दूसरी डिसीज है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आता है अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटीहिस्टामिनिक में आता है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, और इसके बाद आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड मोनोटिलुकास्ट, ठीक है। ये थ्री टाइप ड्रग हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इसका दूसरा नाम है ई फीवर। उसके बाद थर्ड डिसीज है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, उसका नाम है कफ। कफ के अंदर जो टाइप ड्रग इस्तेमाल होती है उनमें आता है कोडीन। कोडीन के अंदर जो ब्रांड होते हैं फोर कोडीन, हाइड्रोमोरफाइन, उसके बाद नोस्कापाइन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन भी कहते हैं, रोफिन प्लस सिरप भी इसमें इस्तेमाल होता है ब्रांड के तौर पर, और दूसरे ब्रांड हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और पैसिफिक टीएम। ये दो ब्रांड जो है कफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा अस्थमा की प्रोटोटाइप ड्रग्स के ऊपर। शुरू करते हैं आज की प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ना। अस्थमा की प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अस्थमा होता क्या है, व्हाट इज अस्थमा। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं फार्मेसी से, अस्थमा इज एन इंफ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज characterized by episode of acute bronchoconstriction। यानी ये एक पहली बात है, ये इंफ्लेमेटरी डिसीज है, ठीक है। इंफ्लेमेटरी डिसीज के अलावा ये एपिसोड है acute bronchoconstriction की, ठीक। bronchoconstriction और इंफ्लेमेटरी डिसीज, इन दो चीजों को आपने याद रखना है तो आपको अस्थमा की पता चलेगा अस्थमा है क्या है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जो कि वायरल होती हैं या जो सोजिस क्रिएट करती हैं उसको हम कहते हैं, या जिसके अंदर हमारी जो सांस की नालियां होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है जिससे हम सांस लेना मुश्किल हो जाता है,
तो उसको हम पुलिमेट्री डिसीज कहते हैं। इसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी हमारे जो चेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, उसके अंदर जो एयरवेज के यहाँ से एयरवेज पास होना होता है, हवा की नाली होती है वो क्या को सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से अस्थमा क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है, कॉजिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर ये हो जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस बड़ी लेना बड़ी मुश्किल होता है, कफ खांसी हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस हमारी छाती जो है वो टाइट हो जाती है, वीजिंग और छींकें वगैरह आ सकती हैं, रैपिड रिस्पायरेशन, सांस जल्दी जल्दी फूल जाता है, इंसान फूल जाता है। प्रोटोटाइप ड्रग जो इसके इस्तेमाल होते हैं उसमें आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सुन लें, बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर दो ब्रांड हैं, सलबूटामोल टेरब्यूटालिन। उसके बाद कोस्टीराइड्स इस्तेमाल, जिसमें कोर्टिसोल और बेटा बैटनिसोल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आते हैं मोंटीलुकास और थियोफाइलिन। ठीक है, थियोफाइलिन का जो ब्रांड है मार्केट के अंदर उसका नाम है थियोग्रेड और रिस्पाइस रिस्प्रो एसआर। ठीक है, दो ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर थियोफाइलिन के। अब हम इस फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है अस्थमा की वो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर है बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिल्ड अस्थमा। मिल्ड अस्थमा की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। मिल्ड अस्थमा का मतलब है कि जब वो अभी स्टार्टिंग कंडीशन में होता है, यानी अभी सीवियर नहीं होता, तो तब हम ये बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये इनहेल ड्रग है, इसको हम यानी सांस यानी बाई नेजल हम इसको इंजेक्ट करके ले सकते हैं। इनहेल एडिनर्जिक एगोनिस्ट है विद बीटा 2। डायरेक्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और पोटेंट ब्रोंचोडायलेटर दैट रिलैक्स एयरवे स्मूथ मसल्स। ये पोटेंट ब्रोंचोडायलेटर है, पोटेंट का मतलब है कि ये बहुत ही बेहतर हमारी जो सांस की जो नालियाँ होती हैं उसको डायलेट करने में हेल्पफुल होता है, जिससे एयरवेज जो है रिलैक्स तरीके से हम जो है सांस ले सकते हैं बाय एयरवे विद दी पोटेंट ब्रोंचोडायलेटर। थेरापेटिक यूज़ क्या होते हैं, इसके थेरापेटिक यूज़ ये हैं, इट हैज़ ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी इसका एक्शन जो है फ़ौरन आ जाता है, यानी 5 से 5 to 30 मिनट्स पे इसको इसका एक्शन महसूस हो किया जा सकता है, और इसको रिलीफ भी मिल जाता है, 4 to 6 आवर तक इसका एक्शन खत्म यानी रहता है, 6 घंटे तक इसका रहता है। अब 6 घंटे बाद दोबारा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट को। इसका दूसरा थेरेप्यूटिक यूज ये है, दे आर यूज फॉर सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट, यानी ये सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। सिंपैथेटिक यानी इसकी जो अलामत होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकोस्पास्म ये यानी जिसके हमारे स्पॉन्स के अंदर पेन क्रिएट होती है, उससे भी ये पेन रिलीफ मिल जाता है, प्रोवाइडिंग क्विक रिलीफ ऑफ क्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन से हमें निजात मिल जाती है, या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन अगर हो रही होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके इस्तेमाल करने के एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि इसे टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, टैकीकार्डिया के अंदर हार्ट बीट जो है ज़्यादा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है, और हाइपोमैग्नीशिया भी हो सकता है, जिससे मैग्नीशियम लेवल भी हमारा डाउन हो सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। सेकेंड जो ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग है अस्थमा को ट्रीट करने की, इसको है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड में दो ड्रग आती थी, कोर्टिसोल बेटनिसोल, उसकी प्रोटोटाइप ड्रग है अस्थमा की। ये इसका काम क्या है, दिस ड्रग आर ड्रग्स ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद एनी डिग्री ऑफ प्रसिस्टेंट अस्थमा। प्रसिस्टेंट अस्थमा यानी ऐसा अस्थमा जिसके अंदर अस्थमा जो है रेगुलर हो रहा हो, एपिसोडिक के तौर पर हो रहा हो, यानी मिल्ड मॉडरेट सवेयर किसी तरह, ये कभी मिल्ड हो जाता है कभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है या बहुत सवेयर कंडीशन में चला जाता है। तमाम तरह के अस्थमा के ट्रीटमेंट में कोर्टिकोस्टीराइड इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसका थेरापेटिक यूज़ ये है कि दे आर इफेक्टिंग लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ अस्थमा इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट, यानी अगर यंग में यंग सिचुएशन में अगर बच्चे जवान हैं या छोटे बच्चे हैं उनमें भी उनके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट
के तौर पर अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड है, यानी इसको भी हम बाया नेजल यानी इनहेल करके इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज फॉर एलर्जिक रेनिटिस बिहेवियर व्हेन दे गिवन एन नेजल स्प्रे, जब इसको नेजल स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एलर्जिक रेनिटिस के तौर पर भी ये यूजफुल होते हैं। एलर्जिक रेनिटिस भी किसकी डिसीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है, यानी ये दोनों एलर्जिक रेनिटिस और अस्थमा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके एक्शन होते हैं लंग्स के ऊपर, एक्शन क्या होता है, दे आर डायरेक्टली टारगेट अंडरलाइन एयरवेज इंफ्लेमेशन बाई डिक्रीजिंग द इंफ्लेमेटरी कैस्केड, रिवर्सिंग म्यूकोसल एडिमा, डिक्रीजिंग परमियबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन। यानी जब ये इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके जो हमारे एयरवेज होते हैं, सांस की नाली होती है, उसकी इंफ्लेमेशन जो है उसके ऊपर डायरेक्ट असर होता है, जिससे वो इंफ्लेमेशन जो है ख़त्म हो जाती हैं, यानी इंफ्लेमेटरी कैस्केड यानी वो रिलीव हो जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है, म्यूक्यूसल एस्टमा, म्यूक्यूसल एस्टमा यानी जो सांस की नली में हुआ होता है अस्थमा, वो ख़त्म हो जाता है। डिक्रीजिंग परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की परमेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन जो हार्मोन है उसको ये रोक देते हैं, जो कि वजह बनते हैं अस्थमा का। ठीक हो गया। नेक्स्ट ड्रग है वो है मोटिलुकास्ट। मोटिलुकास्ट को लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, यानी जो लिकोट्राइन एक हार्मोन है जिससे सांस की नाली जो है वो सिकुड़ जाती हैं, उसके एंटागोनिस्ट यानी उसके मुखालिफ के तौर पर, लिकोट्राइन का मुखालिफ के तौर पर हम मोटिलुकास्ट इस्तेमाल करते हैं। मोटिलुकास्ट क्या है, इट इज़ सेलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ सिस्टेनाइन लिकोट्राइन वन। लिकोट्राइन वन यानी एक एंजाइम है, उसकी इनहिबिटर को रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसके रिसेप्टर की रोकथाम के लिए। इट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ सिस्टेनाइल लिकोट्राइन, सिस्टेनाइल लिकोट्राइन जो रिसेप्टर है उसके इफेक्ट को ये ब्लॉक कर देती हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट कर देती हैं। थेरापिटिक यूज क्या है, इट इज यूज एज अ प्रोफ्लेक्सिस ऑफ अस्थमा बट आर नॉट इफेक्टिव इन विच इमीडिएट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन आर रिक्वायर्ड। यानी ये प्रोफ्लेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी हमें अस्थमा का होने अगर अलामत शो हो रही होती हैं उससे पहले हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको पहले ड्रग इस्तेमाल की जाती है बिफोर डिसीज, इसको हम क्या कहते हैं प्रोफ्लेक्सिस कह देते हैं, प्रोफ्लेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर वो हो जाए तो ये ब्रोंकोडायलेशन को ख़त्म करने में फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है। आल्सो यूज इन सीजनल एंड पीरियल एलर्जिक रेनिटिस, यानी जब मौसमी तब्दीली की वजह से या साल में किसी भी वजह से एनुअली एलर्जिक रेनिटिस, यानी साल में एक दफ़ा भी इसको बुखार वगैरह हो जाता है, एलर्जिक रेनिटिस वगैरह हो जाता है, उसमें मौसमी ट्रीटमेंट में भी मोटिलुकास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ही जाके बाउंड हो जाती है। इसके जो ड्रग्स हैं, ड्रग इज एक्सटेंशली मेटाबोलाइज, बहुत ज़्यादा ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जो मेटाबोलाइज कर देते हैं वो रिसर्च के जरिए से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। इसके ड्रग सकती है एलिवेशन सीरम हेपेटाइटिक एंजाइम्स, यानी सीरम हेपेटाइटिक एंजाइम जो कि लीवर के एंजाइम होते हैं उसके अंदर ये उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हेडेक नेक्स्ट जो ड्रग है थियोफाइलिन अस्थमा की, इसको ज़िंथाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर भी कहते हैं। इट इज़ ब्रोंचो डायलेटर, यानी ये लास्ट ड्रग है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। इसके बाद आपका टेस्ट होगा तो आपने गौर से सुनना है कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ अ ब्रोंचो डायलेटर दैट रिलीव एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन इन क्रोनिक अस्थमा, डिक्रीज इट्स सिम्टम्स, यानी ऐसा ब्रोंकोडायलेटर है जिससे एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन जो हवा की नाली की रुकावटें होती हैं वो ख़त्म होती हैं, रिलीफ उनको मिलता है क्रोनिक अस्थमा के तौर पर, एंड डिक्रीज इन अस्थमा, अस्थमा की जो सिम्टम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं इसके इस्तेमाल से। बाद में क्या है, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब बाई द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी GIT के अंदर ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सर्वाइकल सस्टेंड रिलीज, यानी इसके इस्तेमाल करने से हमें जो है कई तरह से रिलीफ मिलता है। इसके सर्वल सिस्टम रिलीज प्रोडक्ट प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, इसको हम कम ज़्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
लास्ट में आपको पता है टेस्ट होता है। टेस्ट ये है कि आपने जो अभी तक सुना है क्या आपको वो समझ आया है। जब मैं वो सही समझा पाया हूँ तो आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपना अंडरस्टैंड करने का कितना समझ आया, और मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया। क्वेश्चन ये है, विच ड्रग आर ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन पेशेंट विद दी एनी डिग्री ऑफ प्रिस्टेंट अस्थमा। प्रिस्टेंट अस्थमा के अंदर कौन सी ड्रग जो फर्स्ट ड्रग इस्तेमाल होती है। इसका ऑप्शन है सेल्बूटामोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड, मोटिलोकॉक, थे फिर इन चारों ड्रग में से जो सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। और सही ऑप्शन जो है वो मुझे पता है, जो आपने बतानी है कौन सी है वो आपको पता है। तो आपने बहरहाल इस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। फ्यूचर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रोटोटाइप ड्रग एलर्जिक रेंटिस और कफ की प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ेंगे। तो आपने जुड़े रहना है इस चैनल से ताकि आपको मुकम्मल सिलेबस की तैयारी हो सके फार्माकोलॉजी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स।